सर आवाज आ रही है आप तक मेरी? वापस बात करने की कोशिश करेंगे हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से, लेकिन तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि लोगों पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों की नाराजगी इस पर बढ़ती जा रही है। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयराम ठाकुर। सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं शिमला की, इस पर क्या कहेंगे? लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं लेकिन बल प्रयोग किया जा रहा है। देखिए, बल प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मैं पिछले कल से ही देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के बयान बार बार आ रहे हैं कि सख्त कार्रवाई होगी, सख्ती से निपटा जाएगा। इससे पहले क्या सरकार को ये प्रयत्न करना नहीं चाहिए था कि वो सब लोगों को शांति की अपील करें, सब लोगों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करें? और बिल्कुल भी जिस प्रकार से यहाँ घटना हुई है, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लोग घायल हुए हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, और लोगों की भावनाओं को दबाने का जिस प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करने देते, ये प्रदर्शनकारी वापिस जाना चाह रहे थे, लेकिन पहले से ही दबाव इस तरह का करने की कोशिश की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। जी सर, आरोप ये लग रहे हैं कि ये बीजेपी ने इन लोगों को उकसाया है, इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जबकि जो आम लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे तो हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। जी। कोई भी नेता इस प्रदर्शन में शामिल नहीं है, आप देख रहे होंगे, ना कोई बैनर है ना कोई नेता है इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकल आए हैं, लोगों की भावना है, अपने आप घर से निकल आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जो गलत तरीके से वहां पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की गई है, जहां गलत लोगों को संरक्षण देने की बात होती रही है, तो इसमें क्या गलत बात कही है? हिमाचल देवभूमि है, शांति प्रिय प्रदेश है, और यहाँ की शांति अगर भंग हुई तो उसके लिए जिम्मेवार हिमाचल प्रदेश की सरकार है। बिल्कुल, लेकिन जयराम ठाकुर जी, लोगों का ये भी कहना है कि देखिए, ये जो अवैध निर्माण बनाया गया है ये आज या कल का नहीं है, सालों पहले का है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यही नहीं, लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे राज्यों से लोग आकर बस जाते हैं और उनकी तरफ से अवैध निर्माण करवाया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अवैध निर्माण का ही मामला नहीं है। अवैध निर्माण के लिए सरकार कह रही है कि भी बाकी जगह भी बहुत जगह हुआ, लेकिन ये जनभावनाओं से जुड़ गया। गलत क्या हुआ इसमें कि जो झगड़ा हुआ, कहीं लोगों के ऊपर हमला हुआ, और हमला करने के बाद हमला पर जो है यहाँ छिपे, यहाँ संरक्षण लिया, यहाँ वो कई दिनों तक रहे, तो जब मालूम पड़ा कि यहाँ संरक्षण दिया जा रहा है तब ही सारा मामला उठा है। अन्यथा लोग इस सारी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इस तरह से आक्रोश में नहीं थे। पड़ोस के लोग तो बात बार बार कर रहे थे कि गलत व्यवहार रहता है, गलत तरीके से रहता है, जहाँ कभी 15-20 लोग आते थे आज 300 से ज्यादा लोग आते हैं, और वहाँ महिलाओं का रहना तो मुश्किल हो गया। इस तरह की बातें वहाँ पड़ोस में जाकर के आप सबसे पूछेंगे तो लोग बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये घटना इस प्रकार की घटित हुई तो तुरंत कार्यवाही करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, और मुख्यमंत्री का बयान सबसे बड़ा खतरनाक इसमें रहा है कि उनने पहले सरकार बनते ही इस तरह के बयान दिए हैं जिससे समाज की, हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई है। कहा कि 97% हिंदू हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी यहां पर जीती है। क्या कहना चाह रहे हैं आखिरकार मुख्यमंत्री ऐसे बयान करके? और यहाँ ही नहीं, शिमला नहीं, दिल्ली जाकर के बयान दिया, बेंगलोर में जाकर के बयान दिया, हैदराबाद जाकर के बयान दिया उन्होंने, तो ये सारी चीजें गलत हैं। हमारा कहने का अभिप्राय यही है, शांति प्रिय प्रदेश में शांति बनाए रखना ये सबका दायित्व है। मुख्यमंत्री जी को इस सारी स्थिति के लिए जो है वो लोगों से अपील करनी चाहिए, और अपील करके शांति बनाए रखें, इस बात की जरूरत है आज की तारीख में। जयराम ठाकुर जी, क्या आपको ऐसा लगता है ये जो रोहिंग्याओं की बहुत बड़ी समस्या है, और एक तरह से कहें कि अब हिमाचल में ये और एक बड़ा मामला बनता नजर आ रहा है, क्या एक तरह से माने कि रोहिंग्याओं पर एक जो कदम उठा लेना चाहिए था वो नहीं उठाया गया? बिल्कुल, इस सारी चीज को लेकर कि आज की तारीख में ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मुझे लगता है ये सारा जो है फैसला होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी, हमने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं
उनके वेरिफिकेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चलाया, एक नीति बनाई, पॉलिसी बनाई कि कोई भी आदमी यहाँ काम कर सकता है, कोई आपत्ति नियम को, लेकिन वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी, वो कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ हिमाचल प्रदेश में कहाँ रहते हैं, ये जानकारी हासिल करना तो प्रदेश सरकार का दायित्व है। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तब से जब सब कुछ बंद कर दिया, कोई भी आए कुछ भी करे, और उसके बाद ये हालात पैदा हुए, इस तरह के हालात पैदा हुए हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार जो है जिस तरह से इस मामले को देख रही है वो नजरिया ही गलत है। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश, उनका ये कहना है कि सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए, बल प्रयोग किया जाना बिल्कुल गलत है, जिस तरह से लोगों को हटाया जा रहा है, बल्कि सरासर सरकार की लापरवाही है कि इस तरह से अवैध मस्जिद बन जाती है, सरकार और प्रशासन कुछ नहीं करता है। कोमल लगातार हमारे साथ जुड़ी है, कोमल ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ की बात करें तो संजौली में लगातार ये जो माहौल है तनावपूर्ण हो रहा है, लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं। देखिए इसके पहले चौक से उधर भी लोगों की मौजूदगी है, गली कदम से लोग आगे पहुंचे हैं, लेकिन अभी ये कुछ लोग हैं जो ये भी अभी पहुंचे हैं, और लगातार लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों की यही मांग है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, इस मामले को लेकर के एकदम उचित सुनवाई नहीं होगी, तब तक उनका ये विरोध प्रदर्शन रहेगा। आज शाम में वो गवर्नर के पास भी जाएंगे और वहाँ पे गवर्नर को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। लेकिन इस बीच देखिए लोगों को दिखाए तो भारी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पुलिस पूरी तरह से यहाँ पे भारी संख्या में, देखिए पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है, पुलिस जो है ऊपर का जो है लोगों का घरों का सहारा ले रही है, छत लोगों के छत से भी पुलिस जो है पूरा नज़र रख रही है कि हालात ना बिगड़े। लेकिन लोगों में इस बात को लेकर के गुस्सा है, आक्रोश है कि पुलिस ने जब ये शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फिर पुलिस ने लाठीचार्ज। तो अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर के लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन इस बीच संजौली से तस्वीरें दिखा रहे हैं तो एक पार जहां पे आपको लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये जो बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के उस पार भी जो लोगों का जुटना अब शुरू हो गया है, यहां पे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बैरिकेडिंग के इस पार जो है, जो कि ढली टनल से आगे संजौली चौक तक ये रास्ता जाता है, यहां पर तो लोग एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं, लेकिन ये जो पीछे बैरिकेडिंग आपको मेरे कैमरा मैन दिखा रहे होंगे, इस बैरिकेडिंग से उधर भी जो है लोगों का जुटना शुरू हो गया है, और लोग कह रहे हैं कि वहां पे भी, क्योंकि वो इलाका जो है वहां से छोटा शिमला और साथ ही साथ जो मॉल रोड है, मॉल रोड से होकर के वो संजौली चौक तक वो रास्ता पहुंचता है, साथ ही कुसुमती से भी वो रास्ता जो है वो रास्ता उस चौक को जोड़ता है, तो उन दोनों इलाके से जो लोग हैं वो वहां से इस चौक पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आधे लोग जो है वो बैरिकेडिंग के उस पार है और आधे लोग जो है वो इस पार है, लेकिन पुलिस लगातार दोनों तरफ पूरी तरह से डटी हुई है, दोनों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग हो रही है और किसी को भी देखिए अब जो है बैरिकेडिंग से उस पार जाने नहीं दिया जा रहा है। जी क्या कह रहे हैं, पुलिस प्रशासन बहुत गलत कर अच्छा, रहा है। आप लोग क्या वहाँ पर भी आप देख सकते हो मैम किस तरह से लाठीचार्ज हो रहा है, किस तरह से पानी बरसा जा रहा है, हम अभी दूसरी तरफ भी जो लोग हैं क्या वहाँ पे भी लाठीचार्ज हो रहा है? वहाँ तो हमने देखा नहीं मैम, हम यहाँ से ही नहीं जा पा रहे, वहाँ कैसे देख पाएंगे। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था हमारा जिस हिसाब से आपने देखा हुआ है, अगर यहाँ के स्थानीय लोग कोई भी अवैध निर्माण करते हैं तो उसको सरकार तुरंत ही तोड़ देती है, अभी लोकल आदमी ने, कुछ लोगों ने मल्याणा से। तो देखिए यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि स्थानीय लोग जब अवैध निर्माण करती हैं तो उसे तोड़ दिया जाता है, तो इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि देखिए कोर्ट में ये मामला लंबित है, कोर्ट में जो है 5 तारीख की तारीख जो है कोर्ट ने मुकम्मल की है, 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच यहाँ पे संगठन के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पे लोग नजर आ रहे होंगे, लेकिन बैरिकेडिंग के उस पार भी जो जानकारी मिल रही है लोग जो है वो भी वहां पे जुटे हुए हैं, और वो जो लोग हैं वो माल रोड होकर के उस चौक पर पहुंचे हैं, चौक से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, कुसुमती से जो लोग हैं वो भी वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लोग जो है नीचे दे रहे, पुलिस वाले हमारे ऊपर डंडा लाठी चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे तो आपके और भी साथी है जो कि उस संजौली चौक की उस साइड है, संजौली चौक पे आने के लिए हमारे ऊपर डंडा लाठी चार्ज कर रहे हैं। हमारे डिप्टी मेयर है, एक डिप्टी मेयर, आप क्या बोलना चाहते हैं? जनमानस का आक्रोश आप देख रहे हैं और शांति प्रिय लोगों के ऊपर लाठी चार्ज और पानी की बुछारे क्यों?
सबसे बड़ा प्रश्न ये चलता है, जब हम लोग कानून का साथ देने को तैयार हैं तो कानून हमारे पर डंडा क्यों चला रहा है? क्या सरकार इतनी बेबस हो गई है? प्रश्न ये उठता है। और जहाँ पे मुसलमान है नहीं वहाँ पे मस्जिद का काम क्या? स्वस्थ है कि वक्फ बोर्ड एक्ट ये बोलता है कि जहाँ पे 40 घर होते हैं वहाँ पे मस्जिद की आवश्यकता है, परंतु यहाँ पे 40 घर कोई नहीं है, सिर्फ प्रवासी मजदूर जो यहाँ के शहर के लोगों का वातावरण खराब कर रहे हैं। शहर तो इस पूरे मामले को लेकर के लोगों की मांग क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के और क्या कुछ अपडेट है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। बवाल, लाठी चार्ज, भगदड़, वाटर कैनन का प्रहार, पुलिस से संघर्ष, टूटी बैरिकेडिंग। तस्वीरें शिमला की संजौली इलाके की है, जहां हजारों लोग मस्जिद में हुए अवैध निर्माण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। हंगामा बवाल की वजह से सड़क जंग का मैदान बन गया। तरह से लोग अब बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं, जितनी भी बैरिकेडिंग थी सारी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। देखिए लोगों का जो गुस्सा है वो यहाँ पे फूटता है। इस बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है, जिस बैरिकेडिंग पर इस वक्त मैं हूँ इसी बैरिकेडिंग को तोड़ा गया है। मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर अवैध निर्माण तोड़ने की मांग की। हालांकि पुलिस ने जैसे ही बल प्रयोग कर प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष के हालात बन गए। दरअसल शिमला पुलिस ने पहले ही धारा 163 लागू कर दी थी, जिसके तहत भीड़ का जुटना गैर कानूनी है, लेकिन प्रशासन के लाख जतन के बाद भी शिमला के स्थानीय लोग अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। शांतिपूर्ण माने जाने वाले शिमला के लोगों के मन में इतना गुस्सा भरा था कि बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट के ही हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखकर पुलिस ने बल प्रयोग कर आंदोलन खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के इस दाव से प्रदर्शनकारी और भड़क गए। लाठी चार्ज कर रहे हैं, जेंट्स को दो दो मारे, महिलाओं को चार चार मार रहे हैं। शासन प्रशासन जो है आज इस तरह से लाठी डंडे लेके आम लोगों पे उतारू हुआ है। यहाँ पर सारा हिंदू समाज जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी, वाटर कैनन चलाए, लेकिन सरकार की सुस्ती से नाराज जनता पर पुलिस के इन हथकंडों का कोई असर नहीं है। वाटर कैनन की धार फेल हो गई, पुलिस की लाठियां नाकाम हो गई, लोगों ने शिमला पुलिस के लगाए बैरिकेडिंग तोड़ डाले।